क्या आप एड़ी में दर्द से परेशान हैं? क्या आप सुबह उठते हैं और आपको चलने में शुरू की कुछ स्टेप्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है? यदि हाँ तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, इससे आपकी जो एड़ी का जो दर्द है वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह सही हो जाएगा। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा चैनल समय समय पर आपको ऑर्थोपेडिक्स की विभिन्न वीडियो प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देता रहता है, जैसे कि कंधे में दर्द, घुटने में दर्द या लिगामेंट संबंधी समस्याएं। आज हम लोग इसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए लाए हैं एड़ी में दर्द के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, एड़ी या हील में जो पेन है वो काफ़ी कॉमन समस्या है। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो फीमेल्स में देखी जाती है। स्पेशली अगर आपके थायराइड है या डायबिटीज़ है तो एड़ी में दर्द होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। एड़ी में दर्द क्यों हो जाता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में देखी जाती है और उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं या हार्ड सरफेस पे खाना बनाते हैं, कई घंटे तक उनको खड़े रहना पड़ता है, तो उनके अंदर जो लगातार हील है उस पर प्रेशर पड़ता रहता है। ऐसे में जो हमारा जो कुशनिंग मैकेनिज़्म है वो काम करना बंद कर देता है और एक खास पदार्थ जिसे कहते हैं सब्सटेंस पी, वो हील में आके इकट्ठा होना शुरू कर देता है। ऐसे में होता ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो जो सब्सटेंस पी है वो हील में आके इकट्ठा हो जाता है, और जब आप सुबह उठते हैं, सुबह के जो कुछ स्टेप्स होते हैं उसके अंदर आपको तीव्र पेन होता है, ऐसा लगता है कि आप पैर को ज़मीन पे भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे खून का दौरा बढ़ता है तो सब्सटेंस पी वहाँ से वॉश अवे हो जाता है और फिर पेन ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से दिन में भी अगर आप किसी जगह बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके पश्चात चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। तो ये जो हील पेन है दोस्तों, इसे हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं, और ये प्लांटर फेशिया जो अंदर का जो मांस है उसके टाइट होने से हो जाता है। जब भी आप प्लांटर फेशिया की प्रॉब्लम को लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक बार आपके थायराइड और डायबिटीज़ को चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपके थायराइड और डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है तो उसके बाद आपके यूरिक एसिड को भी चेक कराया जाता है। काफ़ी लोगों में यूरिक एसिड के एकदम से बहुत हाई हो जाने की वजह से भी हील में पेन हो जाता है। यूरिक एसिड ज़्यादातर बीज वाली चीज़ों में जैसे भिंडी में, टमाटर में, पालक में, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में या रेड वाइन, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करना कम करके भी आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और हील के पेन को सही कर सकते हैं। जब लोगों को एक्सरे पे यानी कि ब्लड टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है और थायराइड और डायबिटीज़ भी नहीं है तो ऐसे में हम उनका एक्सरे करवाते हैं। काफ़ी बार एक्सरे में जैसे कि एक इमेज आप देख सकते हैं तो इस इमेज से आपको लग रहा होगा कि एक नीचे एक हड्डी बढ़ी हुई है, तो इस प्रकार से हड्डी बढ़ जाने से भी हील पेन हो सकता है, क्योंकि ये जो हड्डी होती है वो मांस में चुभने लग जाती है। तो अब जब हील पेन को लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको शुरू शुरू में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दे सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप ज़्यादा देर खड़े ना रहें। जितना देर अगर खड़े रहते हैं तो कुछ एक्सरसाइज हम आपको सिखाते हैं, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के माध्यम से जो नीचे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, काफ की स्ट्रेचिंग होती है और इसकी वजह से आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग जिनको कि एक्सरसाइज से आराम नहीं होता उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उन दवाइयों से जो वहाँ की जो पेन और स्वेलिंग है वो कम हो जाती है और इस प्रकार से आराम हो जाता है। इसके अलावा एक सिलिकॉन जेल की जो हील बनी हुई आती हैं, हील कुशंस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दिन के अंदर और रात के अंदर। दिन के अंदर जब आप चल फिर रहे हैं तो शूज़ में ये हील कुशन लगा सकते हैं, ये एक तरह का कुशनिंग इफ़ेक्ट देते हैं जिससे कि जो आपके जो एड़ी में जो चुभन है वो कम हो जाती है। तो जिन लोगों की हड्डी थोड़ी सी बड़ी हुई आई है एक्सरे में, वो हील कुशन का उपयोग जूतों में या चप्पल में कर सकते हैं, इस कुशनिंग की वजह से आपका जो पेन कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट जिसमें हम लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करके एक्सरसाइज के माध्यम से और दवाई की सहायता से हम दर्द को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दवाई और एक्सरसाइज से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे लोगों को हम हील में इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। ट्राई एमसिलोलोन का जो इंजेक्शन होता है वो एक इंजेक्शन तब हील में लगाया जाता है जबकि उसमें दवाइयाँ और कसरत से कोई फ़ायदा नहीं होता। इंजेक्शन के बाद 3 से 4 दिन आइस कराने की सलाह दी जाती है। आइसिंग के बाद 3 से 4 दिन में जो पेन है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इंजेक्शन का असर कितने दिन रहेगा ये सब लोगों में अलग अलग तरीके से रहता है। कुछ लोगों में इंजेक्शन का असर 3 से 4 महीने रहता है, कुछ में 6 महीने, और मैंने कुछ पेशेंट्स तो ऐसे देखे हैं जिनमें एक इंजेक्शन लगाने से हील पेन पूरी तरह सही हो सकता है। तो यदि आप हील पेन से परेशान हैं तो इंजेक्शन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यही रहती है कि जो इंजेक्शन है वो पूरे स्टेराइल तरीके से
ऑर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा ही लगाना चाहिए, और दूसरा इस ऑपरेशन इंजेक्शन को लगाते वक्त आपके किसी प्रकार की कोई एलर्जी या किसी प्रकार का हील में कोई इन्फेक्शन, गंदगी या तो फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज़ का कंट्रोल होना इस इंजेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर अगर एक इंजेक्शन लगा लिया है तो दूसरा इंजेक्शन कितने दिन बाद लगाया जा सकता है? तो मिनिमम दो इंजेक्शन्स के बीच में 1 से 3 महीने का गैप तो होना अनिवार्य है। बार बार हम इंजेक्शन्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि लंबे समय तक अगर 2 या 3 इंजेक्शन्स लग चुके हैं तो बार बार इंजेक्शन लगाने से जो मास है वो और ज़्यादा कम हो सकता है, उसकी एट्रोफी हो सकती है हील की। तो मैक्सिमम एक पेशेंट को आप 2 से 3 बार इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कि इंजेक्शन्स के बाद भी आराम नहीं आता है। ज़्यादातर जो ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं वो एथलीट्स होते हैं, जैसे कि टेबल टेनिस प्लेयर या बैडमिंटन प्लेयर या लॉन टेनिस प्लेयर, जिनको कि लगातार लंबे समय तक पैरों पर खेलना होता है। ऐसे लोगों में दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, कसरत और इंजेक्शन्स लगभग सभी तरीके नाकामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में एंडोस्कोपिक प्लांटर फेशिया रिलीज़ एक दूरबीन की सहायता से किया जाने वाला ऑपरेशन है, जिसके माध्यम से हम हील की जो फेशिया है उसको रिलीज़ कर देते हैं और इससे दर्द में आराम आ जाता है। लेकिन जो ये ऑपरेशन है वो बहुत ही लेट स्टेज में ही करना चाहिए। ऑपरेशन कभी भी हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं होता। शुरू में हमारी कोशिश यही रहती है कि दवाई और कसरत के माध्यम से ही आपको ठीक किया जा सके। जो प्लांटर फेशिया रिलीज़ का जो ऑपरेशन है दोस्तों, वो ऑपरेशन दूरबीन की सहायता से किया जाता है। इसमें आपको 24 से 48 घंटे हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और उसके पश्चात आप घर जा सकते हैं। हील पेन से ही जुड़ी एक समस्या और है, जिसमें कि पेशेंट के हील में तो दर्द नहीं होता लेकिन उसके एंकल के बैक साइड में कुछ उभार सा आ गया है और हड्डी बढ़ी हुई महसूस होती है। इसे रेट्रोकैल्केनियल स्पर कहा जाता है या होगलैंड डिफॉर्मिटी कहा जाता है। रेट्रोकैल्केनियल स्पर जो होता है वो भी बोन बढ़ने से ही होता है, जैसा कि आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि पेशेंट के पीछे की जो हड्डी है वो बढ़ गई है। ऐसे में भी हम शुरू में हाई हील वाले शूज़ पहनने की सलाह देते हैं ताकि जो हील की जो चुभती हुई हड्डी है वो अंदर की तरफ चली जाए, और टो रेज एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। शुरू में गर्म पानी का सेक, टो रेज एक्सरसाइज और हील कुशन से इसमें आराम मिल जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये सब तरीके नाकामयाब हैं तो इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हील में इस पोजिशन में अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे लिगामेंट डैमेज हो सकता है। तो जो लोगों के दवाई और कसरत से फ़ायदा नहीं हो रहा है उनके अंदर हम लोग एक मिनिमल इन्वेजिव दूरबीन से ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, जिसमें कि जो स्पर है उसको निकाल दिया जाता है। आप इस एक्सरे में ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद का एक्सरे देख सकते हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें जो जो एक्सरे के अंदर जो हड्डी थी उसको दूरबीन की सहायता से पूरी तरह साफ कर दिया गया है। तो जिन लोगों की एडी में हड्डी बढ़ी हुई है वो दूरबीन द्वारा इसका इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक सामान्य जानकारी थी हील पेन के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके निदान के बारे में और उसके उपचार के बारे में। मैंने 5 से 10 मिनट के वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिली हो। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो पूरी तरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हड्डी या जॉइंट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हम समय समय पर आपको वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपके लिए दिवाली शुभकामनाएँ। धन्यवाद।